हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। तो भाई डेली तो हम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए, ट्रिक्स सीखने के लिए। बट आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, भारत रत्न सम्मानित सचिन रमेश तेंदुलकर जी के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अचीवमेंट्स, उसके बाद बात करते हैं कि हमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें सचिन की लाइफ से सीधे सीधे फॉलो करना चाहिए और उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमें अपने जीवन में सक्सेस मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। Just an amazing atmosphere here. Boy, you can hear the crowd screaming for their favourite, the little master. Everyone wants him to do well. Well, the atmosphere is unbelievable and electric here. स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कैसे फेलर होने के बावजूद भी आज इन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है। क्रिकेट को इंडिया में एक त्योहार, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं सचिन के लाइफ से रिलेटेड कुछ छोटे से पॉइंट्स। बहुत ही छोटा सा एक बस छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। हो सकता है कि इनकी कुछ पॉइंट्स जो हैं, इनके लाइफ के जो अचीवमेंट्स के पॉइंट्स हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में सक्सेस का टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे सचिन जी से। चलिए, तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट है जो सचिन कहते हैं, और इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सचिन के, ऐसी क्वालिटीज हैं स्टूडेंट्स जो हमें अपने लाइफ में ज़रूर क्या कहते हैं उसको उतारना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। पहला पॉइंट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो ये होता है, चेज योर ड्रीम्स बट मेक श्योर यू डोंट फाइंड शॉर्टकट्स। भाई सीधी सी बात है कि अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। भाई जिस तरीके से अर्जुन को केवल मछली की आँख ही दिखाई दे रही थी, उसी तरीके से हमें भी सिर्फ अपना गोल दिखाई देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है, लोग क्या कहते हैं, चार लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कर रहा है, कौन क्या बोलता है हमसे, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर गोल, है ना। और यही हमें सचिन की लाइफ से सीखने के लिए भी मिलता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए या फिर याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, कि हमें कभी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। भाई कभी भी मेहनत का जो फल है ना, वो शॉर्टकट से नहीं मिलता, वो मेहनत से ही मिलता है। ठीक है, चाहते हो कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो बिल्कुल शॉर्टकट काम कभी आएगा ही नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर कहा गया है, सचिन तेंदुलकर जी ने कहा है कि डोंट स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। भाई बिल्कुल सही बात है कि अपने ड्रीम्स, अपने सपने, आपने जो गोल के लिए, अपने जो आप लोग जो देखते हुए जो सपना, कि सिलेक्शन हमें लेना है, हमें पढ़ाई करनी है,
तो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सक्सेस होने के लिए इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें अपने ड्रीम्स को हमेशा चेज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ना एक दिन पूरे होते ही हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी ने, भाई आप लोगों को पता होगा शायद इनके बारे में स्टोरीज अगर आप पढ़ते होंगे, 1989 में एक सपना देखा था जो था वर्ल्ड कप जीतने का सपना। ये सपना इतना बड़ा था जो उन्होंने पहले दिन से देखा, 16 साल की उम्र से देखा जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और इसको तब जाकर उन्होंने पूरा किया फाइनली 2011 में जब उन्होंने वो ट्रॉफी उठाई। तो भाई सपना उसको पूरे करने में चाहे जितना समय लगे, जितना भी साल लगे, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। बस इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखें, ये एक और क्वालिटी है। तो कुछ ऐसी और क्वालिटीज़ जो हमें इनसे फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। भाई ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो ये अब कहते हैं, When people throw stones at you, you turn them into milestones। भाई लोग बहुत कोशिश करते हैं यार, आजकल तो आप देखते ही हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी करते समय, पढ़ाई करते समय कई बार ऐसा पॉइंट आता है ना लाइफ में, ज़रूर एक पॉइंट ऐसा आता है हर किसी की लाइफ में कि यार लोग डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, राइट। डिमोटिवेट करने का मतलब है कि भाई, मैं आपको एक स्टोरी भी इससे रिलेटेड अभी बताती हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर की ही स्टोरी है, उससे रिलेटेड मैं बताती हूँ आपको। मतलब लोग ये कहेंगे कि अरे यार अब तो तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, छोड़ दो, बहुत कठिन पेपर है, तैयारी मत करो यार, ये नहीं होगा, नहीं निकलेगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, 2.5 करोड़ लोग एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ से तुम्हारा हो पाएगा। ये सारी डिमोटिवेशन जो लोग पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक साइड में रखना है, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। एक छोटी सी स्टोरी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो सचिन तेंदुलकर जी के बारे में मैंने पढ़ी है। 1989 में जब इन्होंने पहली बार क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, जब ये पहली पाली अपनी जो है क्रिकेट खेलने गए पाकिस्तान के खिलाफ जब इनका मैच था, तो भाई वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसा कहा कि अरे यार ये छोटा सा जो बच्चा है, देखकर हंसना शुरू किया, इनके ऊपर कमेंट पाची करी, यार ये छोटा सा जो बच्चा है वो क्या क्रिकेट खेलेगा यार, इतना छोटा सा तो है ना। लेकिन उसी छोटे से बच्चे ने, उसी 16 साल के बच्चे ने जब एक ओवर में 4 सिक्सेस यानी 4 छक्के लगाए, तब पता चला कि हाँ भाई ये छोटा सा जो बच्चा है वो आगे जाके गॉड ऑफ क्रिकेट बनने वाला है। तो भाई ये कहानी जो है छोटी सी, वो आप लोगों को ज़रूर ये मोटिवेट करेगी कि भाई जब भी हम जिस भी पॉइंट पर आकर हमें ऐसा लगे ना कि यार अब हमें गिव अप कर देना चाहिए, कभी भी नहीं, हमेशा उन पॉइंट्स को याद करना, हमेशा अपने बुरे समय को याद करना जिससे उभर कर आप लोग आए थे और जिससे उभर कर आप लोगों ने दोबारा से एक नई शुरुआत की थी। ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी हम लोग और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अलोंग विद द टैलेंट यू ऑल्सो नीड डायरेक्शन। ठीक है, टैलेंट आपके पास है, हर इंसान के पास एक टैलेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सही डायरेक्शन भी है। अगर आपका डायरेक्शन, अगर आपका मार्गदर्शन सही तरीके से कोई नहीं, आपको सही तरीके से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है, तो फिर वो चीज़ थोड़ा सा आपको भटका सकती है। तो अपने टीचर्स, अपने गुरु जो आपको फॉलो, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, है ना, जिनकी बात आप समझते हैं, वहाँ जो है हमेशा उस चीज़ को फॉलो करते रहिए, एक सही डायरेक्शन में वर्क करिए। देखो कहते हैं ना, हार्ड वर्क तो ठीक है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है बच्चे। हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करना ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी, तो वो स्मार्ट वर्क ज़रूर होना चाहिए आपकी लाइफ में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। भाई मेकिंग एन एफर्ट इज इन योर हैंड्स, गिविंग 100% इज इन योर हैंड्स। भाई सचिन की बहुत सारी बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटीज़ ये भी है कि उनकी डेडिकेशन, अगर आप उनकी डेडिकेशन को देखते हैं तो मैं आपको उनके उनके डेडिकेशन से रिलेटेड भी एक बात, एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि भाई डेडिकेशन अपने ईगो के, अपने गोल के प्रति इतनी ज़्यादा होने चाहिए, इतना ज़्यादा लगन होनी चाहिए कि उसके अलावा हमें कुछ दिखे ही ना। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक स्टोरी भी बताना चाहती हूँ कि भाई 1992 में जब आपका वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड कप के टाइम पर सचिन जी के फादर की डेथ हो गई थी, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक मैच के लिए अपने फादर के फ्यूनरल में शामिल हुए थे, यानी कि अंतिम संस्कार में। लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं यार, मेरे टीम को मेरी ज़रूरत है, तो देन फिर वो उसी दिन फ्लाइट से वापस गए एंड उन्होंने जाकर अपना मैच और अपनी टीम को ज्वाइन किया वापस। ये होती है अपने काम और अपने गोल के प्रति डेडिकेशन, जो हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। चाहे हम कोई भी काम करें, और काम कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं है, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ को अपनी तैयारी में भी आप सब क्या कहते हैं शामिल कर सकते हो कि आपकी तैयारी के प्रति जो आपकी डेडिकेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल पर हो और किसी भी चीज़ पर ना। ऑलराइट, चलिए एक पॉइंट और लेकर चलते हैं यहाँ पर कि भाई सचिन की क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी ये है कि भाई हम्बलनेस। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई सचिन जी ऐसे हैं
जिनके इतने बड़े क्रिकेट करियर में कोई भी कंट्रोवर्सीज नहीं हुई है, माने कि हम्बलनेस। जब इंसान को सक्सेस मिलती है ना, सक्सेस की ये एक की है, जब इंसान को सक्सेस मिलती है ना तो कहते हैं ना कि यार सफलता सिर पे चढ़ गई, घमंडी हो जाता है, ईगो आ जाता है उसके मन में, राइट। तो दूसरे लोगों से, अपने से निचले स्तर के लोगों से गंदे तरीके से बात करना या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने हम लोग शुरू कर देते हैं, मतलब कहते हैं ना घमंड का एक पॉइंट आ गया, वो चीज़ कभी भी नहीं होती, होनी चाहिए। इंसान जितना ही ऊंचाइयों पर जा रहा है उतना ही उसके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, उतना ही उसके अंदर शालीनता होनी चाहिए, जो कि आपको इनसे सीखने के लिए मिलती है। तो सचिन की इस क्वालिटी को भी अपने अंदर ज़रूर, अपने अंदर ज़रूर लाइए, ज़रूर फॉलो करिए, ठीक। एक और क्वालिटी है कम बैक करने की। भाई सीधी सी बात है कि जब भी हम कहीं, मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि यार अब इस पॉइंट पर आकर नहीं हो पाएगा, तो हमेशा गिव अप नहीं करना है यार, गिव अप कभी मत करो, ठीक है। सोचो इस बारे में कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हो सकता है कि शायद एक और अगला स्टेप जो है वो आपको सक्सेस तक ले जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो इनकी लाइफ से रिलेटेड है, वो होती है कि भाई पंचुअलिटी, पंचुअलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाई पंचुअल होना, जीवन में समय को महत्व देना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना कि यार जब समय को महत्व दोगे तो समय आपको भी महत्व देगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें इनसे फॉलो करने चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमें इनसे फॉलो करनी चाहिए। तो भाई आप लोग भी अपने पढ़ाई के रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीखें, मोटिवेट होते रहिए। डिमोटिवेट जो लोग करते हैं उनसे दूर रहें, उनकी बातों को भी कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिनसे अपने, जिन्हें आप हीरो मानते हैं, अपने टॉप एजुकेटर्स को जिनसे आप पढ़ते हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, उनको गुरु मानकर भाई उनसे अच्छी शिक्षा लीजिए, ठीक है। बस यही हमारा एम है और यही अनअकैडमी का एम है, सो लेट्स क्रैक इट। बस ये जो वीडियो करने का मेरा छोटा सा पर्पस है वो यही है कि भाई आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, और तैयारी की तरफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आप लोगों का पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रेट आप लोगों की सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, लगातार अपने टीचर्स के साथ जुड़े रहिए, और तब तक जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए, जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे रीजनिंग के ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।